आपने कभी कच्ची दाल का कुछ बनाकर खाया है? अगर नहीं खाया है तो चलिए बनाते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी होता है, जो आपके मुंह का टेस्ट बिल्कुल अच्छा कर देगा। नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में कच्ची दाल की कुछ चटपटी सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ये हमने चना की दाल ले लिया है 2 मुट्ठी, तो इसको हम अच्छे से पानी से धुल लेंगे और इसको भिगो कर रख देंगे 2 घंटे के लिए, क्योंकि ये 2 घंटे में अच्छे से फूल जाती है। इसको ज़्यादा टाइम तक यानी रात भर या दिन भर भिगो कर ना रखें, इसका स्वाद बदल जाता है। तो इसको जो है हमने अपनी बुआ को बनाकर खाते हुए देखा है और हम लोगों ने भी खाया है। तो पहले घर की दाल होती थी तो वो मटर की दाल की बनाती थी, तो ये जो है चने का दाल लिया है और इसको पानी डालकर हम भिगो कर खोलने के लिए रख देते हैं। तो चलिए, जो हमारी दाल है फूल चुकी है तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम पहले इसको एक बार अच्छे से धोकर इसका पानी निकाल लेते हैं। ये हमने एक प्याज ले रखी है और एक छोटे साइज का नींबू ले रखा है। प्याज भी मीडियम साइज की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हम इसमें सिर्फ प्याज ही डालने वाले हैं। और हमारे पास हरी मिर्च भी नहीं है, धनिया भी नहीं है। आपके पास हो तो हरी मिर्च को बारीक बारीक काट कर डाल लेना, और धनिया पत्ती हो तो उसको भी डाल लेना। अगर आप टमाटर खाना पसंद करते हो तो उसको भी डाल लेना। मुझे टमाटर कच्चा खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं टमाटर नहीं डालूंगी। ये हमने प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है तो इसको हम इसमें डाल लेते हैं। और देखिए, हमारा नींबू गिर कर चला गया चूल्हे के नीचे, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ और इसको कट कर लेती हूँ, और इसका बीज निकाल कर इसका रस मैं इसमें मिला देती हूँ। क्योंकि अगर इसका बीज इसमें रह जाता है और जब वो मुंह में जाता है, दांत के नीचे पड़ता है, तो बहुत बहुत बुरा स्वाद आता है, उसका मुंह खराब हो जाता है, इसलिए बीज नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैंने नींबू का रस डाल लिया है। तो ये लाल वाली मिर्च है जो मैंने घर पे पीस के रखा है, थोड़ा मतलब ज़्यादा मोटा कुटा है, दरदरा, जिसको चिली फ्लेक्स भी बोल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। ये मैंने काला नमक डाल लिया थोड़ा सा, और अब मैं बहुत थोड़ा सा सफ़ेद वाला नमक डाल लेती हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला मिला देती हूँ। तो बारिश की वजह से चाट मसाला में नमक होता है तो पिघल गया है, तो इसको मैं निकाल कर बहुत थोड़ा सा मिला रही हूँ, क्योंकि मुझे चाट मसाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं मिला लेती हूँ, और आप चाहें तो इसमें धनिया, टमाटर और हरी मिर्च को बारीक काट कर मिलाकर इसको अच्छे से सर्व कर सकते हैं, इससे देखने में भी काफी खूबसूरत लगेगा। तो ये हमने मिला लिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लीजिए कच्चे चने दाल की रेसिपी बनकर तैयार है।